लास्ट वाला क्या था? टेस्टी, है ना? सिनोनिम बताना था टेस्टी का, वो है उसका डिलीशियस। DELICIOUS, ओके, डिलीशियस। फिर है हमारा लेट्स ट्राई ए। लेट्स ट्राई एट में क्या करना है? सेम टू सेम जैसे हमने लेट्स ट्राई सेवन में करे, बट यहाँ पर चेंज क्या है? साइन का। यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो लगाना बताना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताई थी कि जब कोटेशन अगर क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन मार्क कहाँ रहेगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ओके? बट अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन, ना कि ओनली कोटेशन, ना कि ओनली डायलॉग, जब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमारा वो क्वेश्चन, जब हमारा पूरा सेंटेंस ही क्वेश्चन रहेगा, पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। और सेम होता है एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी पर्टिकुलरली वो डायलॉग में या पर्टिकुलरली उस कोटेशन में बोल रहा है, एक्सप्रेशन इमोशन जो दिखा रहे हैं ना, तो अगर वो पर्टिकुलरली उसकी मेन स्टेटमेंट में बोल, अगर सिर्फ वो कोटेशन में बोल रहा है, तो वहां एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगेगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बट अगर पूरा स्टेटमेंट ही, अगर पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा कोई इमोशन बता रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा बाहर, ठीक है? जैसे कि मैं लेट्स ट्राई एट का फर्स्ट वाला आपको बताती हूँ। Die hard.
पर्टिकुलरली वो क्या है, डू बैड हैबिट्स डाई हार्ड, या फिर वी हैव नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ, ये क्या है, ये समझो एक मुहावरे की तरह है, ओके। बट जो पूरा स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहाँ है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही क्वेश्चन है, तो वहां पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो कहाँ आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, ओके। वैसे ही आप ई वाला आंसर बता रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, ओके। ए वाला तो मैंने बता दी, बी सी और डी आपका होमवर्क है, और एफ आपका होमवर्क है, ओके। मैं ये ई वाला आपको बता रही हूँ, ई वाला क्या है, हुर्रे सैड रिक्शा, तो क्या हुर्रे जो है हमको बोलते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है हमको, तब बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में आएगा एस डबल ओ आर वाला हुर्रे, फिर ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ आ जाएगा सैड रिक्शा। नेम है तो कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है, और ये हो गया हमारा फुल स्टॉप। ये आया कहां, हुर्रे जो है सिर्फ ये इस पोर्शन में है, सैड भी जो है नॉर्मल सा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। वही एफ वाला देखेंगे आप, व्हेन शी सॉ हिज न्यू बीएमडब्ल्यू शी एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब इसमें कहां आना चाहिए हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, यहाँ आना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस ही पूरा एक इमोशन बता रहा है कि व्हेन शी सॉ हिज न्यू बीएमडब्ल्यू शी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार जो है वो आएगा इन्वर्टेड कॉमास में। नहीं, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि जब उसने अपने बीएमडब्ल्यू देखी तब उसने बोली कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो एक्सप्रेशन जो आ रहा है उसके वो सिर्फ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार में आ रहे, तो उसमें भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके। सो ये वाला आपका होमवर्क है, आपको मैंने ए और ई बताई हूँ, एफ बी सी और डी जो है वो आपका होमवर्क है। अब पार्ट बी देख लो, पार्ट भी क्या है आपका, हमको एंटोनिम्स लिखना है, एंटोनिम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है उसका, फ्रेंड है, फ्रेंड का एंटोनिम क्या होगा, एनिमी दुश्मन, ठीक है। सेकेंड है बिगिन, बिगिन यानी क्या होता है, शुरू होना या शुरुआत, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा एंड यानी खत्म, ओके। फिर है रेगुलरली, रेगुलरली का क्या होगा, इरेगुलरली, इरेगुलरली में देखो आई आर हमने जोड़े, आई आर क्या होगी, ये प्रीफिक्स जोड़कर हम एंटोनिम बना रहे हैं। ओके, लास्ट है हमारा फियर, फियर यानी क्या होता है, डर, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फियरलेस यानी निडर। ये हो गया आपका वर्क कंप्लीट, ओके। इसके आगे आपका होमवर्क है प्रैक्टिस बुक में, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, व्हाट्सएप पे मैं आपको बताती हूँ कि होमवर्क में आपको कौन सा, आई थिंक मैटर्न 3 एंड मैटर्न 4 है आपका होमवर्क, बट मैं और आपको अच्छे से बता दूंगी, ओके। सो मुझे जब आप वर्क सेंड करेंगे तो मुझे पूरा वर्क चाहिए, कोर्स बुक का क्लास वर्क प्लस होमवर्क, और उसके बाद प्रैक्टिस बुक का होमवर्क, ओके। सिंगल सिंगल अलग अलग नहीं सेंड करना, साथ में पूरा होमवर्क पूरा क्लास वर्क सेंड करेंगे, ओके। तो इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।